खरगोन जिले की भिकनगांव तहसील के ग्राम पंचायत खेरदा में पंचायत द्वारा कराए जा रहे कार्यों से लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अनियमितता सामने आई है। इसका पता तब चला जब शिकायती आवेदन के साथ ग्रामीण एकजुट होकर जिला मुख्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने परेशानी से अवगत कराया और प्रशासन से मांग की है कि मौके पर जांच करवाकर उचित कार्रवाई करें, अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हम लोग कलेक्टर महोदय के ये शिकायत लेके आए हैं। भिकनगांव तहसील में खेरदा गांव है, वहाँ पर ना तो कुटीरा मिल रही है, जिनको मिलना चाहिए आदिवासी लोगों को, उनको मुख्य रहने वाले उनको नहीं मिल रही है, और जो बाहर के आए हुए चारण समाज के लोग हैं उनको कुटीरा के घर में चार चार दी जा रही है। हमारे लोगों के मनरेगा का पैसा रुका हुआ 7 से 8 लाख रुपए तक का, 1 रुपया भी वितरण नहीं किया है। कितने महीने का रुका हुआ? ये करीबन 7-8 दिन का काम है, कोई का 12 दिन का काम है, 12 दिन का है। उसमें गांव एक रोशिया आता है, एक खेरदा आता है। कब से रुका हुआ है ये? 4 महीने 5 महीने। हम रिक्वेस्ट करते सरपंच मंत्री से तो कोई भी सुनने पर तैयार नहीं है, बोल देते हैं अगले महीने आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा। अभी सड़क भी बन रही है, सड़क भी बन रही है, उसमें मिट्टी वाली रेत सपा चल रही है, उप सरपंच उसकी चला रहा है, उसको बोलते हैं तो वो सुनता नहीं है, वो चोरी से रात में रेत डाल देता है, दिन में हम जाते हैं तो अच्छा काम करते हैं, देखने जाते हैं तो अच्छा करता है, और फिर वो चोरी से और डाल जाता है। मिट्टी वाली केवल पूरी रेत है, 2 किलोमीटर का रोड है वो, प्रधानमंत्री योजना है, सब कुछ है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अच्छा बने, नुकसान ना, और उन पर कार्रवाई चाहते हैं, सुन ही नहीं रहे तो क्या करें उनका। कौन कौन है इसमें? सरपंच और सरपंच सचिव मेन तो उप सरपंच है ना, वही डिस्टर्ब करता है। ये कुटेरा भी एक एक चार चार दिए उनने, चारण समाज का, उनके मोहल्ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगी भाई है। सर, ये हमारे ग्राम पंचायत खेरदा जो भिकनगांव तहसील में पड़ती है, उसमें जो मनरेगा में जो कार्य हुए हैं उसमें उन लोगों को अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ग्राम में भी प्रधानमंत्री सड़क योजना का लगभग 2 किलोमीटर का जो रोड है, जिसमें आधा डामरीकरण है और आधा सीमेंट कंक्रीट का है, उसमें बहुत घटिया क्वालिटी का मटेरियल मिलाया जा रहा है। हमारे बार बार कहने के बाद भी वो उस चीज़ को मतलब बंद नहीं कर रहे हैं, उसी से काम कर रहे हैं, मिट्टी वाली रेती मिला करके। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग आज कलेक्टर महोदय के पास पधारे थे। इसमें हमारे पास एक और मुद्दा है कि हमारा जो भिकनगांव एरिया है वो शेड्यूल अनुसूचित क्षेत्र पड़ता है, जो सन 1855 से शेड्यूल ट्राइब है, उसमें ओबीसी के जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो मेरा सवाल जनपद सीओ से भी है, तहसीलदार से भी है, इन सब लोगों से कि ये कैसे बना के दे रहे हैं ये? हम सब लोग आज पूरा ये ग्राम के जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, अगर ये लोग इनको ओबीसी वाले अगर शेड्यूल कास्ट का बना के देंगे तो हम लोगों का जो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने जब लड़ाई लड़ी और हमको रिजर्वेशन दिया, वो हमारा अधिकार फिर हमसे छीना जाएगा, हम डिस्टर्ब होंगे, हमारा रिजर्वेशन छीना जाएगा, वो मिलने के बावजूद भी हमारे समाज आज ऊपर नहीं उठाए। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो ग्राम पंचायत में जितने भी मुद्दे हैं, जैसे आवास योजना है, मनरेगा का है, और ग्राम पंचायत में जो सड़क है, ये जो सर्टिफिकेट का मामला है, सबसे पहले तो इसमें ये होना चाहिए कि जो ग्राम पंचायत में प्रधान जो सरपंच होता है उस व्यक्ति की चले। और यहाँ से ये होना चाहिए कि ये लोग पूरी पंचायत में जितने भी कार्य है, जितने भी विभागों से आते हैं, जितने भी नेताओं से, जितने भी प्रतिनिधियों से आते हैं, उन सभी कार्यों की जांच होना चाहिए, क्योंकि एक भी कार्य इनको व्यवस्थित रूप से नहीं मिलेगा इसकी गारंटी हम लेते हैं। मैं बहुत सारे प्रूफ मेरे पास भी मैंने संभाल के रखे हैं, चूँकि आदरणीय कलेक्टर महोदय हमारे अधिकारी हैं, इनके पास आना हमको जरूरी था, हमने इनको सूचना दे दी, हम हमारे स्तर पर जो भी हमसे होगा हम और आगे करेंगे। मेरा नाम जितेंद्र असलकार है, मैं ग्राम खेरदा से ही हूँ और आदिवासी परिवार में राष्ट्रीय सदस्य। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।